हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमंग कुमार सिंह, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा व्यस्त था और पहले मैं उसे प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूं, ना कि एक शिक्षक। बस थोड़ा आपस में डिस्कशन करते रहता हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि हमें चीज़ें याद नहीं होती। तो चीज़ों को याद कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है। आज पढ़ लेते हैं, आज याद हो जाता है, कल होके या फिर 15 दिन के बाद फिर हम भूल जाते हैं। जबकि अगर हम एक मूवी देखते हैं तो हमें मूवी पूरी याद होती है, कहानी सुनते हैं तो वो पूरी याद हो जाती है। तो एक कहानी या एक मूवी के तौर पर अगर हम लेंगे किसी भी चैप्टर को, तो बड़े ही आसानी से हमें याद रहेगा एक कहानी के तौर पर। अभी देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है आज का जो मेरा विषय है, ये इससे हमेशा सभी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हमेशा प्रश्न आते हैं और हमें कहीं ना कहीं भूल चुक हो जाती है इस तरह के विषयों से संबंधित प्रश्न जब जब आते हैं। तो इस बार नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक पूरा चैप्टर स्पेक्ट्रम से तैयार किया है। आपके पीटी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा मेंस दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है वीडियो। वीडियो आप लोग जरूर पूरा देखिए, मैंने छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया है। तो अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे। तो सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन से संबंधित जो जो व्यक्ति थे उनके बारे में हम सिंगल वीडियो में पढ़ेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब इनके बारे में शायद आप चिर परिचित होंगे, राजा राम मोहन राय तथा ब्रह्मा समाज। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में। और इनके बारे में जानने के लिए, इन्होंने क्या क्या किया, इनकी कीर्ति जानने से पहले आपको इनको जानना होगा कि किस तरह का व्यक्तित्व था इनका, राजा राम मोहन राय का। देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा और आपको याद हो जाएगा, और याद तो होगा साथ साथ एक आधारशिला आपकी रखी जाएगी कि आगे आपको जब भी राजा राम मोहन राय आपके दिमाग में आए तो आपको समझ में आ जाए, उनका चरित्र चित्रण कर सकते हैं। तो ये आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में काम आएगा। बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की, और मैं धीरे धीरे जो है आपको सभी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने पहले लिख लिया है समय बचाने के लिए। राजा राम मोहन राय कौन थे, राजा राम मोहन राय कैसे आप इंसान थे भाई, और क्यों इनको इतनी खुजली मची थी कि समाज में सुधार किया जाए। तो उस समय 1773 के आसपास इनका जन्म हुआ था, 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो उस समय 18वीं शताब्दी में बहुत हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियों ने जो है अपना अपना स्थान ले लिया था। बहुत सारी समस्याएं थी समाज में, बहुत सारे पुराने जो है रीति रिवाज थे, जो कि कहीं ना कहीं मानव सभ्यता और मानव जीवन के लिए दुखदायी थे, हानिकारक थे। इन्होंने जो है इस चीज़ को समझा। और क्या थे ये, इनके बारे में जानिए, इनको क्या कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक, पुनर्जागरण, पुनर्जागृति लाएं, जो लोग जो हैं अपने पुराने रीति रिवाज में उलझ के रह गए थे उनमें जागृति लाई, नई जागृति। तो नई जागृति लाने के कारण पुनर्जागरण का जनक या पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहा जाता है। तो एक चीज तो ये हो गई, प्रश्न आते हैं भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन दे देंगे, केशव चंद्र सेन दे देंगे, स्वामी विवेकानंद दे देंगे, वो भी एक समाज, सभी समाज सुधारक हैं, राजा राम मोहन राय दे देंगे, महात्मा गांधी दे देंगे। तो आप क्या मानेंगे, राजा राम मोहन राय। आगे इनको क्या कहता है, आधुनिक भारत का निर्माता। हम जो जिस भारत की कल्पना अभी कर रहे हैं, जिस भारत को हम लोग देख रहे हैं, वह भारत का जो निर्माता है वो किन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। अब राजा राम मोहन राय पुराने ख्यालातों के नहीं थे, बहुत ही नए ख्यालात के व्यक्ति थे और नई चीजों, प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उन्हीं में विश्वास रखते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, क्यों कहा जाता है बहुमुखी प्रतिभा के धनी, क्योंकि ये कई भाषाओं को जानते थे। जहां भी जाते थे तुरंत कोई भाषा उसकी सीख जाते थे, किसी से भी घुल मिल जाते थे, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले, एक ईश्वरवाद मतलब एक ईश्वर,
हिंदू भगवान को मानते थे, मुस्लिम अल्लाह को मानते थे, ईसाई जीसस को मानते थे, सिख अपने गुरुओं को मानते थे। उनका मानना था कि एक ही भगवान होता है, ईश्वर एक है, निराकार एक ही ईश्वर है, उसका कोई आकार नहीं है, एक ज्योतिपुंज है जिसकी जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, अलग अलग भगवान नहीं होते, तो एक ही भगवान में विश्वास रखते थे। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। वो कभी भी जो है हवा में उड़ती हुई बातों पर ध्यान नहीं देते। कोई भी व्यक्ति के बारे में जानना है आपको, कोई भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानना है, तो आपको ये जानना होगा कि वो व्यक्ति कैसे थे, तो इतना बताने वाला आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। तो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले थे वो, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक समानता, समाज में सभी व्यक्ति, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सभी जाति जातिवाद पे उनका उनको प्रहार उन्होंने किया था, और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वो जो है विश्वास रखते थे, यानी जो भी रियलिटी है उस पर विश्वास रखते थे, कहीं सुनी बातें विश्वास नहीं रखते थे। तो ये उसके बाद पाश्चात्य विचारों के समर्थक। अब जो भी वेस्टर्न ओपिनियंस थे, यानी कि पाश्चात्य मतलब अन्य देश जो पश्चिमी देश हैं, उनकी सभ्यता में विश्वास रखते थे, क्योंकि पश्चिमी देश के जो लोग थे उनमें इतने सारे रीति रिवाज, उल्टे पुल्टे रीति रिवाज नहीं थे, तो इसलिए उनको पाश्चात्य विचारों का समर्थक कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक, और भी कई अन्य भाषा, मैंने कहा ना जहाँ भी जाते थे वो उस भाषा को सीख जाते थे। तो ये एक चरित्र चित्रण हो गया पूरा राजा राम मोहन राय के बारे में। ये सारी क्वालिटीज थी उनमें, और इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जो है सामाजिक सुधार आंदोलन में जो है अपना योगदान दिया। अभी यही बात खत्म नहीं होती, अभी जो हम अगला पढ़ेंगे वो अगला हम क्या पढ़ेंगे, उनकी कीर्ति एवं योगदान। देखिए कीर्ति एवं योगदान, आशा करता हूं कि अभी अगर आपको चरित्र चित्रण देखिए पढ़ना बाकी है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, बस मैंने बस एक चरित्र परिचय दिया आपको राजा राम मोहन राय का। तो कीर्ति एवं योगदान, तो यह आपको पता चला होगा कि राजा राम मोहन राय का जब भी चरित्र चित्रण करने को आए तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, एक परिचय आप उनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे उनके कीर्ति एवं योगदान के बारे में कि उन्होंने क्या क्या काम किया। देखिए मैंने क्या कहा, बड़े से बड़ा चैप्टर सामाजिक एवं सुधार सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन स्पेक्ट्रम की बुक में लगभग 40 पेज में है। तो क्या हम 40 पेज को पढ़ेंगे? नहीं, हम उसमें से जो भी करेक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। मैं ये चीज कई बार आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कुछ लोग समझ में नहीं आया, फिर से मैंने सोचा मैं करके दिखाता हूं, और मैं हमेशा करूंगा और आपको याद दिलाऊंगा। तो ये चीजें हो गई, खत्म हो गई। अब आइए देखते हैं कीर्ति एवं योगदान, अब क्या क्या उन्होंने काम किया उसके बारे में। प्रश्न आते ही आते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद कीर्ति एवं योगदान पढ़ लेंगे, कुछ अन्य योगदान पढ़ लेंगे, उसके बाद किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा समाज का निर्माण किया और कैसे फिर ब्रह्मा समाज आगे बढ़ा, फिर कैसे केशव चंद्र सेन ने उनका कमान संभाला, फिर स्वामी विवेकानंद भी आए, ऐसे करके हम लोग पूरा एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं कीर्ति एवं योगदान में। तो दोस्तों अब जैसा मैंने कहा था कुछ कीर्ति एवं योगदान, तो देखिए कीर्ति एवं योगदान इतिहास जो है याद करने की चीज नहीं होती है, इतिहास समझने की चीज होती है, और जब आप समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। कैसे, देखिए कैसे ये सारी चमत्कार अभी होते हैं इसी वीडियो में। हमने राजा राम मोहन का चरित्र चित्रण किया, उनके बारे में जाना। अब देखिए उनको, उनके बारे में जानने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, किस तरह के इंसान थे, अब उन्होंने क्या क्या वो कर सकते हैं वो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। हमें कुछ डेट्स देखने हैं, मैंने लाइन से इन डेट को लिखा है ताकि आपको याद हो जाए, कभी भी आप लाइन से पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है। 1809 की बात है, 1809 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार। कभी कभी यह प्रश्न आ जाता है कि पुस्तक किसने लिखी थी, तो राजा राम मोहन राय ने। कब लिखी थी? 1809
1809 में लगातार उनके प्रयास जारी थे। 1814 में पाँच साल के बाद उन्होंने क्या किया कि 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना। 1818 में उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा क्या था, आप लोग जानते होंगे, जब भी किसी औरत का पति मर जाता था, विधवा हो जाती थी, तो उसी पति की चिता पर जो है उस औरत को भी जलना पड़ता था। यही सती प्रथा थी जिसका विरोध उन्होंने 1818 में किया और 1829 में जो है 17वें नियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे ऑफिशियली गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो उनके प्रयास से ये हुआ। 1817 थोड़ा सा यहाँ ऊपर नीचे हुआ है, पहले होना चाहिए था। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से, 1817 में डेविड हेयर एक अंग्रेज थे प्रोफेसर, उनके सहयोग से जो है उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1820 में एक पुस्तक उन्होंने लिखा, प्रीसेस्ट ऑफ जीसस। चूंकि ईसाई धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियां थी, तो उन सब का वर्णन जो है उन्होंने इस पुस्तक में किया था। इस पुस्तक का नाम था प्रीसेस्ट ऑफ जीसस, मतलब हर जगह बुराइयों को दूर करने का काम वो करते थे। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज, अब ये मत समझिए कि वेदांत कॉलेज में वेदों की पढ़ाई होती थी, ऐसा नहीं था। वेदोकांत मतलब समझ रहे हैं कि कुछ वेद थे जिनको सर्वोच्च माना जाता था, वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, उनमें जो ज्ञान है उनको लीजिए, वेदों की सर्वोच्चता ऐसी कोई चीज नहीं होती, आप उन्हें जो चीज अच्छा लगे आप पढ़िए, उसको अपने जीवन में उतारिए, बाकी सब पुस्तकों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। यही ब्रह्म सभा जाके बाद में ब्रह्म समाज बना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 1828 में जो है उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। 1833 में एक जगह था ब्रिस्टल एक जगह था जो कि इंग्लैंड में था, वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी देखिए कैसे, जैसे देखिए शुरू में 1809 में एक ईश्वरवादियों को उपहार एक पुस्तक लिखा, उनमें क्या लिखा, एक वर्ड है इसमें, एक ईश्वरवाद, मैंने बताया था ना एक ईश्वरवाद के समर्थक थे वो। तो एक ईश्वरवाद मतलब एक ईश्वर मतलब हमारे हिंदू सभ्यता में, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माना जाता है, उन्होंने कहा एक ही ईश्वर है, मतलब अलग अलग गणेश भगवान की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति और विष्णु भगवान की मूर्ति, तरह तरह की मूर्तियों की हम लोग पूजा करते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया। इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा जरूरी नहीं है, आत्मा को पूजिए, एक भगवान एक पुंज है सर्वशक्तिमान, उसको पूजिए, कई भगवान नहीं हो सकते, बहुदेववाद, कई देव नहीं हो सकते, उनका उन्होंने विरोध किया। उसके बाद ये सब जो मैंने यहाँ लिखा है ये सब अन्य में है, एक तो ये हो गया, दूसरा छुआछूत का विरोध उन्होंने किया। देखिए सारी कीर्तियां हैं, जब भी आपको प्रश्न आएगा कि राजा राम मोहन राय का चरित्र चित्रण करते हुए उनकी कीर्तियों के बारे में उल्लेख करें और समाज में उनके योगदान का वर्णन करें, तो आप लोग बड़े आराम से ये सब चीज़ें याद रख पाएंगे, तो बहुत अच्छा लेख लिखेंगे, बहुत अच्छा नोट लिख लेंगे। छुआछूत का भी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि ये भी एक कुरीति थी, जो भी कुरीति थी सबका वो विरोध करते थे। स्त्री संपत्ति अधिकार का समर्थन किया, उन्होंने माना, उस समय क्या था, शुरू से ही हड़प्पा काल से ही हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, यानी पिता की जो सत्ता होती है उसको सर्वोच्च माना जाता है, बेटे को जो है वंशज माना जाता है, बेटियों को जो है दूसरे घर की संपत्ति माना जाता है। उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा जितना पुरुष का हक है उतना ही स्त्री का हक है, स्त्री संपत्ति अधिकार का उन्होंने समर्थन किया और विधवा विवाह का भी समर्थन किया, क्योंकि विधवा जब होती है तो लोग उसको श्रापित मान लेते थे उस समय, उसको लोग एक कह सकते हैं एक बेकार या फिर एक बिना काम का या फिर एक अछूत टाइप का मानते थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा विधवा का भी विवाह हो सकता है, उसे एक नई जिंदगी मिल सकती है, तो विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने विरोध किया बाल विवाह का, उन्होंने जो है बाल विवाह का विरोध किया, उन्होंने कहा कि बाल विवाह सही नहीं है, एक उम्र होनी चाहिए जिसमें लड़के लड़की परिपक्व हो जाए और उनकी शादी हो। उसके बाद धार्मिक पुस्तक और पुरुषों की सर्वोच्चता,
कुछ धार्मिक पुरुष थे जैसे बड़े बड़े साधु महात्मा संत बड़े बड़े ज्ञानी लोग, उनको लोग सर्वोच्च मानते थे। हमारे पुरातन काल से ही गुरुओं को सर्वोच्च माना जाता है। कुछ लोगों को उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने कहा चाहे वह किसी जाति से हो, अगर वो अच्छा जानकार है तो उसकी इज्जत होनी चाहिए। एक पुरुष और एक वेद या एक धार्मिक बुक की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसका विरोध किया। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा विदेशों में भी उनके बहुत सारे योगदान थे। विदेशों में क्या योगदान थे, तो अभी आप लोग देखते होंगे इंग्लैंड और आयरलैंड, पहले आयरलैंड इंग्लैंड में ही था। तो हमेशा जो है जैसे बिहार झारखंड है ना, झारखंड का शोषण होता था, झारखंड अलग हो गया, उसी प्रकार आयरलैंड का जब शोषण हुआ तो आयरलैंड इंग्लैंड से अलग होने के लिए आंदोलन करने लगे वहां के किसान। तो वहां के किसानों के आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वहां भी उन्होंने यही काम किया। वहां भी उन्होंने जो है सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार और वहाँ के लोगों के जीवन यापन को सुधारने में अपना योगदान दिया। आयरलैंड के किसान कई जगह उन्होंने अपना विदेशों में भी योगदान दिया, तो वो एक अलग कीर्ति है। तो ये कुछ है कीर्ति एवं योगदान। अब इससे आप और भी चीज़ें बना सकते हैं, और भी चीज़ें कि ये कीर्तियाँ पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि राजा राम मोहन राय उन सभी चीज़ों का विरोध करते थे जो कि समाज के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भले हमारी प्रथा में हैं। जैसे हमारे प्रथा में क्या है, हम लोग दशहरा पूजा के पहले बलि देते हैं। तो बलि देना हमारी प्रथा में है लेकिन वह एक गलत बात है। तो उसका विरोध, उस तरह की चीज़ों का विरोध करते थे। तो जो भी चीज़ें गलत थीं उनका वह विरोध करते थे, रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करते थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। यही जो है उनका चरित्र चित्रण, उनकी कीर्ति, उनका योगदान है। अब हम इसके बाद देखिए पार्ट वाइज पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले चरित्र चित्रण पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, उनकी कीर्ति एवं योगदान। अब थोड़ा सा ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए जब ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं खुद से लिख सकता था। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद ब्रह्म समाज में, क्योंकि ब्रह्म समाज किसके द्वारा बनाया गया है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, कोई और नहीं बनाया है, तो उन्हीं के विचार उसमें होंगे। तो ब्रह्म समाज के तत्व अगर मैं अभी मैं लिखूंगा इनको मिटा के तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही आसान है ब्रह्म समाज का। क्योंकि कभी कभी प्रश्न आते हैं ब्रह्म समाज का क्या योगदान है हमारे समाज में या आधुनिक भारत के निर्माण में, तो हम आराम से लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बने रहिए मेरे साथ। मैं मिटा के अभी तुरंत आता हूँ। अभी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे ब्रह्मा समाज के तत्व के बारे में बहुत ही संक्षेप में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जब राजा राम की मृत्यु हुई उसके बाद ब्रह्मा समाज का क्या हुआ। तो ब्रह्मा समाज के तत्व देखिए मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो आराम से आदमी गेस कर सकता था। राजा राम मोहन का चरित्र हम जान गए तो आराम से इसको समझ सकते। क्या कहती थी, ईश्वर एक है और ईश्वर सद्गुणों का केंद्र है। राजा राम मोहन का मानना था कि एक ही ईश्वर है और ईश्वर क्या है, सद्गुणों का केंद्र है। यानी जहाँ पे ईश्वर है, एक ईश्वर है वहीं पे सारे अच्छे गुण बसते हैं। दूसरा, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है और इस पूरी सृष्टि का पालनहार है। मतलब परमात्मा एक है, सर्वशक्तिमान एक ही है और पूरी सृष्टि का पालन करता है। मतलब कि किसी अन्य चीज़ों या बहुत सारी चीज़ों का या बहुत सारी मूर्तियों को पूजने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक है। मूर्ति पूजा, चित्र पेंटिंग पूजा अनावश्यक माना गया है ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा आप जानिए, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण जो है ब्रह्म समाज का एक उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। सर्वधर्म धर्म समभाव, सभी धर्मों को समान भाव से देखना एक आप कह सकते हैं कर्तव्य था। किसका, ब्रह्म समाज का। नैतिकता एवं कर्म फल, यानी जो भी नैतिक शिक्षाएं हैं, अच्छी शिक्षाएं हैं, उन पे बल दिया गया। और कर्म, आप जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल मिलेगा, तो उस पर बल दिया गया। किसमें, ब्रह्म समाज में। जीव हिंसा का विरोध किया गया, बलि वगैरह जो भी था उन सब का विरोध किया गया। तो ये कुछ मुख्य तत्व थे ब्रह्मा समाज के। अब जानते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्मा समाज में क्या संबंध है, और ये संबंध स्थापित हुआ था राजा राम मोहन राय के मृत्यु के पश्चात। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो ब्रह्मा समाज किस प्रकार चला, किसने चलाया, इसके बारे में जानते हैं अब इस पार्ट में। इस तरह से हम छोटे छोटे पार्ट तोड़ देते हैं तो बड़े आराम से हमें याद हो जाता है और फिर हमें मेंस या पीटी की सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों
अब आगे चलते हैं कि ब्रह्मा समाज की स्थापना तो 1828 में कर दी राजा राम मोहन राय ने। जब उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद क्या हुआ, किसका, ब्रह्मा समाज का। तो ब्रह्मा समाज उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी बागडोर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। किसकी, ब्रह्मा समाज की। कब बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर को मिला, और 1842 में जो है वह उनको जो है यह बागडोर मिला था। उससे पहले 1839 में क्या हुआ था कि तत्वबोधिनी पत्रिका आती थी, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाली संस्था जो है इससे जुड़ी, किससे, ब्रह्मा समाज से, और उसका प्रचार प्रसार शुरू किया। और भी बहुत सारे महान विचारक जुड़े, जिनमें मुख्य थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अश्वनी कुमार दत्त। लेकिन 1843 में ईसाइयों से वाद विवाद हो गया। चूंकि ईसाइयों की बुराइयां करते थे, हिंदुओं की बुराइयां करते थे, तो चलो ठीक है, क्योंकि हिंदू पहले से जमे हुए थे भारत में, लेकिन ईसाई नए नए जम रहे थे, और उनकी जो है बुराइयां हो रही थी, उनमें उनकी व्यवस्था में जो कुर्तियां थी उसकी बुराई हो रही थी। तो वो लोगों ने जो है किससे, ब्रह्मा समाज से जो है झगड़ा करना शुरू किया, वाद विवाद होना शुरू हो गया। तब जाके एंट्री हुई केशव चंद्र सेन की। कब एंट्री हुई, 1858 में, 10-12 साल ऐसे ही चला, और 1858 में जो है उनको सदस्यता मिली। केशव चंद्र सेन के बारे में अगर मैं बताऊं तो केशव चंद्र सेन 1858 में ब्रह्मा समाज से जुड़े, और अति उदारवादी थे, बहुत ही उदारवादी थे वो। इतने उदारवादी थे कि वो कहते थे कि जिसका मन है वो चले आइए, और जिसका मन है आप कहीं भी शादी कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल विवाह जो भी जो मन में आए कीजिए। इतने उदार थे वो। यही उदारता के कारण उनको बाद में परेशानी हुई। फिलहाल 1858 में वो सदस्यता मिली और काफ़ी अच्छे इंसान समझ में आए। देवेंद्रनाथ टैगोर को लगा कि केशव चंद्र सेन बहुत ही अच्छे सीधे साधे इंसान हैं, तो उनको जो है आचार्य नियुक्त कर दिया गया। ब्रह्म समाज का जो है आचार्य नियुक्त कर दिया गया। उदारवादी स्वभाव के कारण जो है देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका विवाद हो गया, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाल विवाह और ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन देते थे, किसी को भी एंट्री देते थे, तो इन सब चीज़ों के कारण जो है उनका देवेंद्रनाथ टैगोर से विवाद हो गया। चूंकि देवेंद्रनाथ टैगोर अभी भी हेड थे उस संस्था के, उन्होंने क्या किया 1865 में, कब, सन 1865 में आचार्य की पदवी से उनको बर्खास्त कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया। किससे, ब्रह्म समाज से नहीं, आचार्य पद से, ब्रह्म समाज में अभी वो थे। इस पर उन्होंने क्या किया कि एकदम एक साल या कुछ महीनों के बाद ही 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर डाली। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से हटकर भारतीय ब्रह्म समाज, तो प्रश्न आते हैं, फंसाते हैं, जब आपको इतिहास पता रहेगा तो आप कभी नहीं फंसिएगा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आप सोचिएगा भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना, भारतीय ब्रह्म समाज, तो आप मार दीजिएगा, राजा राम मोहन राय, नहीं, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने 1866 में। जबकि केवल ब्रह्म समाज आए या फिर आदि ब्रह्म समाज आए, जो कि चूंकि ब्रह्म समाज कहने से भारत में है तो एक जैसा लगता था, तो पुराना वाला जो ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज हो गया। तो आदि ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज की स्थापना अगर आएगा तो राजा राम मोहन राय, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन। तो इस तरह से ब्रह्म समाज का जो है ये इतिहास चला रहा था, कहाँ राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी और कहाँ चले आए। एक घटना हुई 1878 में, 1878 में घटना हुई, क्या घटना हुई कि केशव चंद्र सेन की एक पुत्री थी जिसकी उम्र केवल 13 वर्ष थी, केवल 13 वर्ष। तो जब उनके पास, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर युवती थी, उनके पास विवाह का प्रस्ताव आया एक राजा के तरफ से, कूच बिहार के राजा के तरफ से, और उन्होंने उसे तुरंत स्वीकार लिया लालच में, और उन्होंने क्या किया, तुरंत ही कूच बिहार के राजा से अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया, जो कि बाल विवाह के समान था। और उस समय ब्रह्म समाज जो थी वो बाल विवाह का विरोध कर रही थी, दोनों ही ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो यहाँ पे उनकी बहुत ही बेइज्जती हुई, बहुत ही जगहंसाई हुई, और जिसके वजह से केशव चंद्र सेन का 1878 की घटना के बाद लगभग
ये जो सामाजिक सुधार वाला जीवन था, करियर था, ये खत्म हो गया और इतिहास के पन्नों में वह खो गए। तो ये एक इतिहास था किसका? ब्रह्मा समाज का। अब यहां तक ठीक है। अब हम लोग पार्ट टू में जो है दूसरे किसी इतिहासकार के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही कहानी के रूप में पढ़ेंगे। बड़ी आराम से याद हो जाएगा, आप इसमें भूलेंगे नहीं। एक बार और वीडियो देखेंगे, कंप्लीट याद हो जाएगा। दो वीडियो में मैं दो या तीन वीडियो में इसे समाप्त कर दूंगा और बहुत ही मजा आने वाला दोस्त। याद होता है और जरूर होता है और कभी नहीं भूलते। मेंस में इसी ऐसे ही याद किया जाता है और आप मेंस में लिख पाते हैं। रट के आप पूरा उतार के दिमाग में नहीं कर सकते हैं। आपको बस चीज़ों को समझना होता है, लोगों को समझना होता है, इतिहासकारों को समझना होता है, इतिहास में जो कैरेक्टर हैं, अलग अलग तरह के लोग आए और गए, उनको समझना होता है और आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब मैं वीडियो रेगुलर लाऊंगा क्योंकि बीच में मैंने बहुत लगभग 3 महीने बाद मेरा वीडियो आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों आपके सहयोग के लिए। आपका चैनल है और इसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद।